हिंदू जागरण मंच ने आज झारखंड में शाहरुख के द्वारा अंकिता के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर हत्या करने के मामले में ज्ञापन सौंपा और मांग की कि राष्ट्रपति जी इस पर संज्ञान लें, क्योंकि लफ्ज जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए फैसला लें कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए। पंडित राजकुमार त्रिवेदी, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच, महानगर आगरा। अंकिता के साथ जो दुष्कर्म करने का इरादे से पेट्रोल डाल के आग लगाकर उसकी हत्या कर देने का काम जो शाहरुख खान ने किया है, वो बहुत ही सोची समझी चाल के तहत किया है। और ये लोग एक लव जिहाद का एक एजेंडा चलाते हैं। अगर जो बहन बेटी हिंदू बच्ची उनके शिकार नहीं बनती है तो इसी तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं, या गोली मार देते हैं, या पेट्रोल छिड़क देते हैं, या तेजाब डाल देते हैं। और एक प्री प्लान्ड अरब कंट्रियों से इनके पास में पैसा आता है, उसके तहत ये कार्य करते हैं। यही काम आज झारखंड में अंकिता सिंह के साथ किया। उस बहन ने बयान भी दिया है कि एक तरफा लव का इजहार करके वो जबरदस्ती उससे लव करना चाहता था और लव जिहाद का शिकार बनाना चाहता था। वो अंकिता बहन हमारी इस लव जिहाद में फंसी नहीं तो उसकी हत्या कर दी गई। पेट्रोल क्या मांग की? हमारी मांग ये है कि राष्ट्रपति महोदय ऐसे कुकर्मी को 24 घंटे के अंदर फांसी लगाने का प्रावधान लाएं और जल्द से जल्द लाएं, क्योंकि हमारी हिंदू बहन बेटियां ही क्यों शिकार होती हैं? ऐसा क्या है? क्योंकि ये एक एजेंडा चला रहे हैं। और साउथ की कोर्ट ने, केरल की कोर्ट ने ये माना भी है कि लव जिहाद एक एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। सिंह फौजदार, जिला अध्यक्ष, युवा वाहिनी, हिंदू जागरण मंच, आगरा। जैसे कि अंकिता के मामले में बहुत सी राजनीतिक पार्टी शांत बैठी है, इन पार्टी के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये जितनी भी पार्टियां हैं ये हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, और ये हिंदू समाज का जब भी कोई आता है या बहन बेटियों के ऊपर हमला हो जाता है, ये लोग मौन धारण करके बैठ जाते हैं। जैसे कि अभी बात कही जा रही है कि कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी, आप लोग क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय से एक ही मांग करी है कि ऐसे कुकर्मियों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी की सजा सुनाई जाए और जल्द से जल्द हमारी बहन को न्याय मिले। फांसी की सजा हमारे देश में बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो ऐसे मगर फांसी सजा नहीं होती तो फिर क्या करेगा? फांसी की सजा नहीं होती है तो हिंदू जागरण मंच एक ही मांग करता है राष्ट्रपति महोदय से, इन कुकर्मी लोगों को वहीं जहां पर स्थान है, जहां कुकर्म किया गया है, वहीं पर इनका एनकाउंटर कर दिया जाए।